असलम डेयर स्टूडेंट होपाइन आई वेलकम सोशलॉजी क्लासेजे वी हैव न्यू टॉपिक दैट इज एजेंसीज ऑफ सोशल कंट्रोल वट आर द दो एजेंट्स वट आर दो पर्सनस वट आर दो इंस्टीट्यूशन वट आर दोज वेज जिनके जरिए क्या हम चीज़ को कंट्रोल सोशल कंट्रोल लोगों में डेवलप करते हैं करने की कोशिश करते हैं या लोगों का बिहेवियर क्या बनाते हैं कंट्रोल्ड बनाते हैं वो एजेंट्स, वो पर्सनस वो इंस्टीट्यूशन बताने हैं ठीक है जिसके ज़रिए हम लोगों का बिहेवियर कंट्रोल कर पाते हैं उनको हम एजेंट्स ऑफ सोशल कंट्रोल कहते हैं जो हमें मदद देंगे किस चीज़ में लोगों का बिहेवियर कैसे कंट्रोल किया जाए जो मेंबर्स ऑफ सोसाइटी है ना उनको इस लायक कैसे बनाया जाए कि वो रेस्पेक्ट करे रूल्स को लॉज को रेगुलेशनस को ठीक है जैसे सोसाइटी एक्सपेक्ट कर रही है बिहेव करना एक इंडिविजुअल का या एक्सपेक्टेशन रखती है उससे कि ऐसे बिहेव करना है तो वैसे वो कैसे बिहेव करे इट इज ऑनली पॉसिबल थ्रू सोशल कंट्रोल ठीक है तो अब इनमें से जो हमने कल पढ़ा था जो फैमिली है ना बहुत सारे एजेंसीज है बहुत सारे एजेंट है यहां पर किसके सोशल कंट्रोल के जिसके जरिए हम सोशल कंट्रोल डेवलप कर सकते हैं मगर दीज जो मैं हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस लेक्चर में दीज आर मेन एजेंसीज ऑफ सोशल कंट्रोल या मेन एजेंट ऑफ सोशल कंट्रोल राइट उनमें से सबसे पहले दैट इज फैमिली दैट इज फैमिली जैसे मैंने आपको कहा कि जो प्राइमरी सोशलाइजेशन हमारी होती है वो फैमिली में होती है राइट right? ठीक है तो फैमिली में हमें बेसिक चीज़ें सिखाई जाती है रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में बताया जाता है ठीक है वैल्यूज़ हमारे अंदर इनकलकेट करते हैं कि आपको कैसे जैसे सोसाइटी आपको कह रही है सोसाइटी हमारी चाह रही है आपको बिहेव करना है ठीक है वो एक्सपेक्टेशन जो जुड़े हैं सोसाइटी के आपसे आपके बिहेवियर से वो आप कैसे बिल्कुल उसमें आप कैसे कामयाब हो गए सक्सेसफुल कैसे हो गए ठीक है तो वह हमें कहाँ पर सिखाया जाता है फैमिली में दैट इज वाई फैमिली बींग वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एजेंसीज ऑफ सोशल कंट्रोल प्रेसक्राइब ये बता रही है प्रेस्क्राइब इज मीनस एक इंसान को ये सिखा रही है बता रही है उसको प्रेस्क्राइब कर रही है आपको क्या रूल्स एंड रेगुलेशन टू इट इज मेम्बोर्स इन ऑर्डर टू बी कंट्रोल देयर बिहेवियर इनऑर्ट टू कंट्रोल देयर बिहेवियर और टू बिकम सेल्फ कंट्रोल ठीक है ये जो फैमिली है ना फैमिली अपने मेंबर्स को प्रेस्क्राइब कर रही है बता रही है प्रेस्क्राइब वट टू डू प्रोस्क्राइब वट नॉट टू डू जो चीज छे आप ये चीज प्रेस्क्राइब एंड प्रोस्क्राइब प्रेस्क्राइब मीनस जो आपको वट टू डू आपको क्या करना है फैमिली यह कहती है फैमिली इज वन ऑफ द एजेंट ऑफ सोशल कंट्रोल जो दैट प्रेस्क्राइब इंडिजुअल जो मेबर्स ऑफ सोसाइटी है ना जब बोर्स ऑफ फैमिली है ना उनको बता रही है कि हाउ यू हैव टू एक्सेप्ट हाउ यू हैव टू ओबी हाउ यू हैव टू ओबीफॉर्म रूल रेगुलेशन इन ऑर्डर टू ब्रिंग कंट्रोल कंट्रोल टू बिहेवियर जो मेबोर्स फैमिली में रहते हैं ना उनका बिहेवियर कंट्रोल करने के लिए फैमिली उनको प्रेस्क्राइब करते हैं कि आपको कैसे चलना है आपको कैसे बात करनी उठना कैसे बैठना कैसे खाना पीना कैसे जो भी आपसे जुड़ी हुई चीज उसको प्रेस्क्राइब करती इस अंदाज से आपका बिहेवियर होना चाहिए तो आप सोसाइटी में अच्छी तरह से रह पाओगे या अपने अंदर क्या जिंदगी में सेल्फ कंट्रोल रख सकते हो राइट right? जो पहली जो बिगनिंग है जो शुरुआत है वो टू तो बिकम क्या चीज सेल्फ कंट्रोल इसके अलावा जो स्टेट है स्टेट इज द नेक्स्ट इंस्टीट्यूशन ठीक है या नेक्स्ट एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन मगर ये क्या है कि ओवरऑल रेगुलेटिव सिस्टम स्टेट स्टेट एक्ट इज एज एन एजेंट ऑफ सोशल कंट्रोल द स्टेट एज द सोसाइटी इज ओवर ऑल रेगुलेट सिस्टम सोसाइटी को कौन रेगुलेट कर रहा है कंट्रोल कौन कर रहा है स्टेट okay. जितने भी इंस्टीट्यूशन है ना सोसाइटी में उनको कौन रेगुलेट कर रहा है स्टेट दैट इज वाई स्टेट इज वन ऑफ द इंस्टीट्यूशन स्टेट को इंस्टीट्यूशन कहते हैं क्या कहते हैं जब हम कहते हैं कि स्टेट इज ओवर ऑल रेगुलटिव सिस्टम राइट ऑफ सोसाइटी चीफ एजेंसी ऑफ सोशल कंट्रोलेंट एजेंसी है किस चीज का सोशल कंट्रोल का कैसे इट एक्सरसाइज कंट्रोल इट इज थ्रू लेजि पुलिस द आर्मड फोर्सेज एंड प्रिजन ये स्टेट के प्रोसीजर्स है तरीके है वेज है जरिए है ठीक है जिसके जरिए वो लोगों को कंट्रोल कर रही है स्टेट अपने लोगों को कंट्रोल अपने लोगों के ऊपर या लोगों का बिहेवियर कंट्रोल कर रही है मगर किस अंदाज में किसके जरिए किस, किस चीज को अपना के लॉज को पास करके लेजिस्लेशन को इस्तेमाल करके पुलिस को इस्तेमाल करके आर्मड फोर्सेस को भी कभार हमारा कंट्रोल नहीं होता ऐसे बताने से बातें करके ठीक है बल्कि हमारे वहां पर हमें फोर्स करना पड़ता है लोगों का बिहेवियर बाय फोर्स क्या ट्रैक पर लाना पड़ता है या इसके अलावा कोई तब भी ना माने तो उसको कहां भेजते हैं जिस जेल जो है ना पुनिशमेंट से बचने के लिए एक इंसान कहता है कि मैं गलती नहीं करूंगा मैं चोरी नहीं करूंगा मैं नहीं करूंगा मैं ड्रग एडिक नहीं बनूंगा क्यों क्योंकि अगर मैंने ऐसे किया तो सोसाइटी के अगेंस्ट हो जाएंगे और मुझे जेल होगी तो इससे बचने के लिए क्या करते हैं इंसान अपना जो बिहेवियर है ना नॉर्मल ट्रैक पर कोशिश करता है रखने के लिए ठीक है ये वो तरीके हैं जो स्टेट इस्तेमाल करती है किस चीज को मेंटेन करने के लिए लोगों के अंदर सोशल कंट्रोल डेवलप करने के लिए स्टेट इन चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं चाहे पुलिस के जरिए चाहे आर्मड फोर्स के जरिए चाहे प्रिजनर्स के जरिए चाहे लेजिसलेशन के जरिए लॉज के जरिए रूल्स के जरिए अकॉर्डिंगली या नॉर्मस के जरिए राइट right? इसके अलावा एजुकेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन भी है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी है एक एजेंसी एक या जरिया सोशल कंट्रोल को डेवलप करने के लिए बर्स ऑफ सोसाइटी खाली स्टेट के जरिए हम लोगों को कंट्रोल नहीं करते हैं खाली फैमिली के जरिए हम लोगों को यही नहीं सिखाते अपने मेंबर्स को यही नहीं सिखाते हैं। आपको सोसाइटी में रहना कैसे सोसाइटी का जैसे बिहेवियर एक्सपेक्ट आपसे कर रही है ना कैसे आप रख पाओगे खाली फैमिली और स्टेट इसमें काम नहीं कर रहे हमें मदद नहीं दे रहे बल्कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी इसमें इंपॉर्टेंट है जो ये इंस्टीट्यूशन है ना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ये भी हमें मदद करते हैं किसमें सोशल कंट्रोल को डेवलप करने में, जैसे हमने पढ़ा था कि खाली सोशलाइज़ेशन जो बल्कि वो आउटसाइड फैमिली सीख लेता है उन चीजों को चाहे अल्ट सोशलाइजेशन करके चाहे चाहे सेकेंडरी सोशलाइजेशन के थ्रू जाके ठीक है मीन वो चीजें सीख लेता है जो उसको फैमिली में देखने को या एक्सपीरियंस करने को नहीं मिल रही इसी तरीके से वो कंट्रोल हाँ नो डाउट फैमिली आपको कंट्रोल कर रही है मगर पूरा इंसान सोशल कंट्रोल डेवलप नहीं कर पाता है खाली फैमिली में खाली स्टेट के जरिए बल्कि स्कूल्स में कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज में जब आप इस चीज को एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे कि कितना इंपॉर्टेंट है सोशल सोसाइटी में सोशल कंट्रोल को रखना ठीक है जब आपको ये समझ आ जाएगा फिर आपको किसी को आपको बताने की जरूरत आप खुद ब खुद सोशल कंट्रोल रखोगे खुद ब खुद सेल्फ डिसिप्लिन बन जाओ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से इंसान क्या ये चीजें सीख लेता है कि जो सोशल कंट्रोल है ना ये हमारी सोसाइटी के लिए ही बेहतर है ये फॉर पब्लिक वेलफेयर के लिए ही बेहतर है ये मेरी पीस मैं सोसाइटी में कैसे पीस से रहूं तो ये मेरे इसी चीज के लिए है। तो मुझे क्या करना चाहिए अपने बिहेवियर जो ना कंट्रोल सिचुएशन में रखना चाहिए कंट्रोल वे में बिल्कुल रखना चाहिए ये स्कूल कॉलेज एंड जो यूनिवर्सिटीज है ना जिनको हम एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कहते हैं ठीक है थीके? ये पावरफुल इंस्टीट्यूशन है किसके सोशल कंट्रोल के जो इंसान के अंदर सोशल कंट्रोल इंसान का बिहेवियर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं या इंसान को मोटिवेट कर रहे हैं किस चीज़ के लिए कि आपको ऐसे चलना ऐसे नहीं चलना है आपको चोरी नहीं करनी आपको ऑनेस्ट रहना आपको लॉयर रहना है आपको बाकी चीज़ें नहीं करनी है जो सोसाइटी के अगेंस्ट होगी ठीक है तो क्या आपको लग रहा है आप कॉलेज में कुछ चीजें सीख रहे हो क्या आपको लग रहा है आपका बिहेवियर यहां पे मोल्ड हो रहा है इंसान फॉर एग्जांपल कॉलेज आने से पहले इंसान जल्दबाज होता है इंसान अनएक्सपीरियंस होता है लॉजिक पे भरोसा नहीं करता रीजन पे भरोसा नहीं करता है ठीक है अनइथिकल होता है अब यहां पर कॉलेज में चीजें सीख के वाकई चाहे फ्रेंडशिप या फ्रेंड सर्कल में चाहे टीचर से चाहे प्रिंसिपल से चाहे क्लास से चाहे लेक्चर से चाहे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज से जो भी है वट एवर उसके जरिए एक इंसान को सीखने का मौका मिल रहा है कि मुझे लाइफ में कैसी कैसी चीजें या कौन कौन से ड्रॉबैक्स है कौन कौन से डिमेरिट्स हैं और मुझे किन किन चीज़ों को नई चीज़ों को अपनाना चाहिए यहाँ पर हमें मौका मिल रहा है चाहे इन वन वे और इन अनदर वे चाहे बिल्कुल अपने फ्रेंड से बात करके चाहे टीचर्स से बात करके या टीच लेक्चर्स को अटेंड करके राइट right? तो मीनस ये जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है ना दीज आर बेस्ट इंस्टीट्यूशन टू मोल्ड द बिहेवियर ऑफ सिटीजनज मोल्ड द बिहेवियर ऑफ सिटीजनज ठीक है बाय एनेबलिंग देम टू एक्सेप्ट द सोसाइटल नॉर्मज एंड आल्सो बाय डेवलपिंग ग्रेट आइडियल एंड वैल्यूज ऐसे मोल्ड किया जाता है बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर ऑफ सिटीजन सिखाया जाता है यहां पे इस लायक बनाया जाता है टू एक्सेप्ट द सोसाइटल आपको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे समाज में जो नॉर्मस है समाज में जो रूल्स एंड रेगुलेशन है समाज में जो उस है ना उसको आपको रेस्पेक्ट देना पड़ेगा उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा तब सोसाइटी आगे बढ़ेगी अदरवाइज इट इज इंपॉसिबल कि सोसाइटी को आगे बढ़ाना विदाउट एक्सेप्टिंग सोशल नॉर्म ठीक है तो मीनस यहां पे उसको बनाया जाता मोल्ड किया जाता है उसका बिहेवियर ठीक है ताकि वो सोसाइटल नॉर्मस को एक्सेप्ट करे एंड ऑल्सो बाई डेवलपिंग ग्रेट आइडियल अच्छी चीज, अच्छे 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 चीज वैल्यूज को इनकलकेट करके मीन ये तब पॉसिबल होता है यहाँ पे जब हमें सिखाया जाता है वैल्यूज क्या है कौन सी चीज ठीक है कौन सी चीज ठीक नहीं है सोसाइटी किस चीज को अच्छी मानती है सोसाइटी किस चीज को बुरी मानती है ये आपको सिखाया जाता है मगर कहां पे? थ्रू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चाहे स्कूल्स में लेके चाहे कॉलेजेस में लेके चाहे यूनिवर्सिटीज में लेके इसके बाद नेबरहुड एज एजेंसी ऑफ सोशल कंट्री नेबरहुड में अगर कोई बंदा याद रखना है। अगर कोई जो फैमिली है ना कोई हमारा हमसा नेबर है वो ड्रग एडिक्शन में मुलविस है वो उसके जो बंदे हैं ना वो करप्शन के शिकार है वो जो है ना डाउरी लेते हैं या जो भी है whatever, जो इलीगल एक्टिविटीज है राइट right? तो आपके जहन में उसके लिए कोई इज्जत होती है नहीं होती है, उसको पता चलती है कि मैं जिस, समाज में रहता हूं, जिस जगह में रहता हूं ये मेरे नेबोस है ना ये मुझे किस एंगल से देख रहे हैं उसको पता होती है राइट right? ठीक है तो वो आज नहीं कल नहीं परसों उसको ये चीज समझ आ जाती है कि ये जो चीज़ मैं कर रहा हूं ना ये गलत कर रहा हूं जब से मैंने ये चीज़ स्टार्ट की तब से मुझे कोई नेबर बात नहीं कर रहा है तब से मेरा जो है ना घर कोई नेबर विज़िट नहीं कर रहा है ये उसको पता चलती है जब धीरे 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 उसको ये चीज़ें पता चलती है या ऐसे बिहेवियर उस लोग करते हैं उसके साथ ठीक है या अपने आप को अलग रखते हैं अलग थलग रखने की कोशिश कर रहे हैं तो उसको क्या एक वक्त ऐसा आता है वो अपने अंदर कंट्रोल करने की कोशिश वो सब चीज़ें छोड़ देता है ठीक है मीनस कि जैसे बाकी लोग हैं वैसे मैं भी रहा हूं जैसे बाकी लोगों की इज्जत है वैसे मुझे भी होनी चाहिए ठीक है नेबरहुड जो है ना का, का काम करता है अगर आपको पता भी नहीं अगर आप इग्नोर करते हो रूल्स एंड रेगुलेशन को मगर नेबरहुड आपको याद दिला रहा है कि आपके जो इर्द गिर्द लोग हैं ना वो गलत नहीं कर रहे हैं वो हल हलहाल की कमाई खा रहे हैं हराम की कमाई नहीं खाते इस पर वो भरोसा नहीं कहते हैं राइट ठीक है इसके बाद इन नेबरहुड ग्रुप कंट्रोल ट्रेडिशनली टेक द फॉर्म ऑफ मोर हा डब्ल्यू जी सोशलिस्ट है उसने नॉर्म्स के दो टाइप कहते हैं याद रखना दिस इज इंपॉर्टेंट ये आपके सिलेबस में भी है कुछ नॉर्म्स हमारी सोसाइटी में ऐसे होते हैं अगर वो टूट भी जाए तो सोसाइटी को फर्क नहीं पड़ते मगर बेहतर यही है कि सोसाइटी चाहती है अगर वो रहे तो ठीक है राइट right? उनको हम फॉकवेज कहते हैं क्या कहते हैं हम खाना हाथ से खाते हैं खाते हैं ना अगर हम चम्मच से खाएंगे मतलब ये लोगों का तरीका फॉकवेज फॉक मींस लोग एंड वेज मींस उनके तौर तरीके हमारे तौर तरीके यही है कि हम खाना कैसे खाते हैं हाथ से खाते थे राइट right? तो आज हम चम्मच से खा रहे हैं ठीक है राइट right? तो सोसाइटी आपको इस पर मारेगी नहीं डांटेगी नहीं पेनल्टी नहीं लगाएगी पुनिसमेंट नहीं देगी क्यों कि ये वो नॉर्मस है कि अगर उनको रखना चाहते हैं सोसाइटी के लिए, में वेल एंड गुड अगर तो एक बिल्कुल क्या अर्थि बात की हो तो वेल एंड गुड अगर लिखिए तो सोसाइटी आपको कुछ नहीं करेगी इनको हम फॉकवेज कहते हैं क्या कहते हैं फॉक वेज राइट समझाओ समझाओ कि ना ठीक है इतनी कहीं ब्याह अगर हमारी सोसाइटी का रिवाज ये है रस्म व रिवाज ट्रेडिशन ये है कि हम दाएं हाथ से खाना खाते हैं अगर क्या खोल हाथ से किए टेंशन सोसायटी मारे ये तरीक़ा है अपना अपना ये इंडिविजुअल चॉइसेस है इसको कोई रोक नहीं सकता इनको हम फॉक वेज कहते हैं ये भी नॉर्मस है सोसाइटी के मगर इनको हम वीक नॉर्मस कहते हैं क्या कहते हैं वीक नॉर्मस राइट मतलब ये जल्दी टूटते हैं ये जल्दी मतलब का पी मर्जी में बह अब खेम बात चमचे सेम मैं मारे ना पे कह ठीक है तो मगर सोसाइटी का उसूल ये है कि आप खाना हाथ से खाओ राइट right? इसके बरक्स इसके अगेंस्ट कुछ रूल्स ऐसे होते हैं अगर उनको तोड़ा जाए अगर उनकी जो है ना वायलेशन की जाए तो आपको पुनिशमेंट दिया जाएगा आपको पेनल्टी लगेगी वो भी सोसाइटीज़ के नॉर्मस हैं और वो सोसाइटी के सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वो नॉर्म्स जो सोसाइटी के सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है और पब्लिक वेलफेयर के साथ जुड़ा हुआ होता है ठीक है वो नॉर्म जो क्या सोसाइटी के जिंदा रहने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं और पब्लिक वेलफेयर से जुड़े हुए होते हैं ठीक है उन नॉर्मस को हम मोर्स कहते हैं क्या कहते हैं समझाना मुझे इस पॉइंट को है राइट मगर उसके लिए आपको फॉकवेज एंड मोर्स का समझना जरूरी है कुछ नॉर्मस ऐसे होते हैं सोसाइटी में जो सोसाइटी के सर्वाइवल के लिए जरूरी नहीं होते हैं ठीक है उसके अलावा भी सोसाइटी उनको हम फॉकवेज कहते हैं मगर कुछ नॉर्मल ऐसे होते हैं जो सोसाइटी के सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी होता है और पब्लिक वेलफेयर के लिए वो होते हैं जुड़े हुए होते हैं ठीक है तो उनको हम मोरस कहते हैं मोरस लाइब्रेरी ये पब्लिक लाइब्रेरी प्राइवेट लाइब्रेरी ये किसकी है कॉलेज प्राइवेट गवर्नमेंट ये लाइब्रेरी मतलब सब लोगों की जितना मेरा हक हाँ है उतना आपका भी है जितना आपका इतना दूसरे का भी हक हाँ है ना मीन पब्लिक अगर कोई आए उसको तोड़े ठीक है शीश नुकसान बातना है, है तो जरा मुझे बात बता दीजिए उसने अपना नुकसान खाली किया कि आप लोगों का भी नुकसान किया जहां पे पब्लिक वेलफेयर की बात आई है ना वो नॉर्मल जो जुड़े हुए होंगे पब्लिक वेलफेयर के लिए वहां पे एक इंडिविजुअल को पनिशमेंट लगता है ब्रिज होता है ना ब्रिज एक इंसान तो वो पर्सन तो मेरा है ही नहीं ठीक है तो ब्रिज सब लोगों का है है ना तो सब लोग उसको आराम करते हैं चलते हैं जो भी है वाटा कनेक्ट हो जाते हैं ब्रिज को कोई तोड़े जरा मुझे बता दीजिए उसके अगेंस्ट क्या एक्शन ली जाएगी क्यों वो पब्लिक वेलफेयर के लिए होता है इसी तरह से हॉस्पिटल है हॉस्पिटल ट्रीटमेंट करने के लिए है ना तो अगर उसका हॉस्पिटल का नुकसान पहुंचेगा कोई तो उसको बख्शा जाएगा वो सो या यही चीज याद रखना वो रूल्स वो नॉर्म्स जो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए वेलफेयर के साथ जुड़े हुए हों वो सोसाइटी के सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है उनको हम क्या कहते हैं राइट और सोसाइटी में आपके नेबरहुड में कुछ रूल्स कुछ नॉर्म्स ऐसे होते हैं जो आपको बार बार याद दिला रहा है कि अगर आप ये गलती करोगे इस चीज़ को तोड़ोगे इस चीज़ को नुकसान पहुंचाओगे, तो यू विल गेट पुनिशमेंट यू विल बी फाइन राइट तो इसी तरह से जब मैं ये जहन में मुझे होता है कि मैं अगर इस चीज़ को नुकसान पहुंचाऊं या अपने नेबरहुड में जो भी पब्लिक चीज़ें पब्लिक वेलफेयर से चीज़ें जुड़ी हुई है ना अगर मैं उसको नुकसान पहुंचाऊं तो मुझे क्या अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं किया जाएगा बिल्कुल बैड ट्रीटमेंट मिल जाएगा ठीक है उससे मैं एक इंसान अपना कंट्रोल कर लेता है एक इंसान अपने बिहेवियर को क्या बिल्कुल रेस्ट्रिक्ट रखता है ठीक है वो चीजें नहीं कर अगर उसके जहन में आ जाए भी चोरी करना मगर चोरी तब भी नहीं करता क्यों क्योंकि मेरे नेबरहुड में जो लोग हैं ना ये इकट्ठे हो जाएंगे तो मुझे यहां से भगा लेंगे राइट तो मोर्स के जरिए इन द फॉर्म ऑफ मोर्स हाँ ये ट्रेडिशन है ये रिवाज है ये सूल है ये उसूल है हमारे नेबरहुड का कि इक्स बेस चीज़ मदद बाई एसेट्रा कि ड्रग मै स्प्रेड पन्निस नेबरहुडस मैं अगर कोई इंसान कर रहा है कोई फैमिली कर रही है इसमें से ठीक है तो ज़ाहिर सी बात है अगेनस्ट हो जाएंगे ना उसके नेबर्स तो उससे क्या होता है वो फिर मोरज़ की शक्ल लेता है क्या वो जो ट्रैक्शन धीरे 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 जब ट्रैक्शनज हैं ना अगर पब्लिक वेलफेयर के साथ जुड़े हुए थे तो वो फिर मूरज़ की शक्ल पकड़ लेती है कि अगर इंसान किसी नेबरहुड में किसी इंसान ने जुर्म किया है तो विल बी आलावा मास मीडिया उसके अलावा मास मीडिया यहां तक समझ आए कि नेबरहुड के, के जरिए कैसे हम हमारे अंदर सोशल कंट्रोल डेवलप हो जाता है ठीक है मास मीडिया के जरिए मास मीडिया रेडियो टेलीविजन है ना रेडियो टेलीविजन तो रेडियो सुन बोलान हे आज हा नुक जील क्या नुक जील तेम क्राइम म चीज ये क्या तेम हजा कौर एंटी सोशल एक्टिविटी तो मुझे हा तेम आई पेनल्टी देना टेलीविजन में देखते हो आप सीरियल्स के जरिए कि सीरियल्स के जरिए आपको आप सीखते हो आप कंट्रोल डेवलप करने की कोशिश करते हो कोई चोरी करता कोई डी करता कोई जो है ना क्रिमिनल बन जाता है किसी भी वजह से तो उसकी फिर सजा होती है मौत या जेल तो इंसान उसे सीखता है कि तो हम अवॉइड करते हैं मगर ये अवॉइडेंस है ना ये कहाँ पे सीख लेते हैं हम किसके जरिए सीख लेते हैं रेडियो के जरिए जो प्रोग्राम होते हैं टेलीविजन के जरिए इंटरनेट पे जो स्टोरीज आते हैं रात मोर उतर मिनट नीची मोज ना सुत गो आपको कैसे पता आते वो घर वन का आपने कैसे देखा आपने इंटरनेट के जरिए देखा प्रेस के जरिए देखा मीडिया के जरिए देखा कि एक इंसान जब क्राइम करता है कोई भी क्राइम तो उसकी लास्ट में क्या होती है उसकी जलास्ट में जगह होती है जेल ठीक है उसे बचने से इंसान क्या अपने अंदर एक किस्म का कंट्रोल डेवलप करता है इन चीजों से सीख के चाहे रेडियो पे चीजें सिखाई जाए आपको रेडियो के जरिए टेलीविजन के जरिए इंटरनेट के जरिए फेसबुक के जरिए प्रेस के जरिए या लिटरेचर के जरिए वो खाली इंफ्लुएंस नहीं करते हैं आपके आइडियाज को बल्कि ऑफ द पीपल बट आल्सो ब्रिंग चेंजेस इन ऑफ थिंकिंग एंड लाइफ थिंकिंग एंड लाइफ अभी तक आपको किसी दोस्त के साथ लड़ाई करने का इरादा है ठीक है अब नहीं इन स्टोरीज को सुन के अब लिटरेचर पढ़ के ये ठीक नहीं है ठीक है तो मीनस ये इंसान का जो है ना तरीका है सोचने का वो बदल देता है और इंसान जाहिर सी बात है इंसान का जब बदल इंसान का जब सोचने का तरीका बदल जाएगा जाहिर सी बात है इंसान की लाइफ बदल जाती है ना एक इंसान को मर्डर करने का प्लान था अब उसकी थिंकिंग चेंज हो गई है ड्यू टू तो चाहे किससे इन्फ्लुएंस हो गया रेडियो से टेलीविजन जो प्रोग्राम चलाते हैं इंटरनेट चलाते हैं तो अब कभी नहीं करेगा जाहिर सी बात है उसकी लाइफ तो बदल गई ना एक इंसान चोरी करते धोखा दे देना चाहता था ठीक है अब उसकी बदल ये जो है ना स्टोरी सुन के तो इंसान क्या है इंसान सीख लेता है ना चीज़ों को कैसे इस किसका इन्फ्लुएंस है इट इज़ द इन्फ्लुएंस ऑफ मास मीडिया दैट इज़ वाई थ्रू मास मीडिया इज़ द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एजेंसी और एजेंट ऑफ सोशल कंट्रोल समझ इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सोशल कंट्रोल जिनके जरिए हम सोशल कंट्रोल को डेवलप कर सकते हैं मगर फिलहाल थैंक यू सो मच